अनएक्सपेक्टेड भाई, जानवी कपूर ने एक्टिंग फाइनली सीख ली है। एक नेपो किड तो मुझे लग रहा है कि सेटल हो जाएगा। तुम्हें भी मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन गुड लक जेरी उनकी एक मूवी आई है डिज्नी हॉटस्टार पे, उसे देख लो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। आज उसका रिव्यू करेंगे। हाँ यार, आप मूवी रिव्यू के लिए एक सही जगह पर आए हो, क्योंकि यहाँ पर आपका दोस्त ना तो आपका काटेगा और ना ही ज्ञान बांटेगा। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है हेट या शिट। या डिज्नी हॉटस्टार पे एक नई मूवी आई है जिसका नाम है गुड लक जेरी, और उसमें लीड रोल में है जानवी कपूर। वैसे तो यार ये मूवी भी एक साउथ की मूवी की कॉपी है पूरी तरह, मतलब इसका ऑफिशियल एडाप्टेशन है, मतलब सिर्फ लोकेशन और किरदारों के नाम चेंज करें, बाकी पूरी कहानी ऐसी की ऐसी चिपका दी है। खैर, इस बारे में तो बात करना ज़्यादा बेकार ही है। मूवी की स्टोरी है एक लड़की की जिसका नाम है जया कुमारी, जो बेसिकली तो बिहार की रहने वाली है, लेकिन वो पंजाब में अभी रहती है अपनी पूरी फैमिली के साथ, और उसकी फैमिली में कोई भी मर्द नहीं है, मतलब ना तो उसके पापा है ना ही कोई उसका भाई है। तो वो उसकी मम्मी और उसकी एक छोटी बहन रहती है। तो मम्मी की तबीयत खराब है और उसकी जो छोटी बहन है वो पढ़ रही है, तो उसके पास पूरी जिम्मेदारी का बोझ है सिर पे। तो वो कुछ छोटे मोटे काम करती हैं, लेकिन फिर बाद में पता लगता है कि उसकी मम्मी की तबीयत ज़्यादा खराब है और उन्हें कैंसर है। तो अब उनके इलाज के लिए उसे पैसे चाहिए, जो कि छोटे मोटे काम से तो नहीं हो सकता। तो उसे एक शॉर्टकट तरीका पता लगता है, वो है ड्रग स्मगलिंग का। इस वजह से ड्रग स्मगलिंग के धंधे में फंस जाती है, और फिर वो कैसे उससे बाहर निकलती है और कैसे उससे डील करती है। इस पे ये कॉमेडी मूवी बनाई है जिसे डार्क कॉमेडी हम कह सकते हैं, मतलब जो मूवी है उसमें कॉमेडी बहुत अच्छी है, उसकी सिचुएशनल कॉमेडी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मूवी शुरुआत के 15 मिनट तो तुम्हें थोड़ा सा बोर कर सकती है, तुम्हें लगेगा यार क्या मूवी लगा ली है, कुछ और देख लेता, लेकिन भाई 15 मिनट अगर तुमने झेल लिया उसके बाद मूवी सरपट दौड़ती है भाई साहब। उसके बाद भाई मूवी में समा बन जाता है, मतलब मजा आ जाएगा तुम्हें। और सबसे खास बात मूवी की है कि बहुत ज़्यादा खींची हुई नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करी, सिर्फ 2 घंटे की मूवी है, और 2 घंटे भाई साहब पूरा पैसा वसूल है। शुरू की 15 मिनट बस छोड़ देना, बस मेरे कहे से। एक्टिंग की अगर बात करूं तो यार सब ने अच्छी एक्टिंग करी है, मतलब अनएक्सपेक्टेडली जो जानवी कपूर है उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। तो यार ये देख के मैं थोड़ा आश्चर्यचकित सा हो गया, खैर मुझे उम्मीद नहीं थी। हालांकि ट्रेलर में भी मैंने उनकी एक्टिंग की तारीफ करी थी, लेकिन मुझे डर था कि ट्रेलर तो हो सकता है एडिट अच्छे से कर दिया हो, कि जो उनके अच्छे अच्छे एक्टिंग के सीन है वो कॉपी कर दी हो, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, पूरी मूवी में उन्होंने अच्छी एक्टिंग करी है, जो सच है यार वही कहना चाहिए। उनके अलावा भाई जितने भी सपोर्टिंग एक्टर हैं, मैं सच बताऊं तो सबने एक्टिंग बढ़िया करी है, अपना अपना काम बहुत अच्छा करा है। खास तौर से भाई दीपक डोबरियाल की, जो मतलब दिल फेंक आशिक बनाए इस मूवी में, और भाई उसकी एक्टिंग बहुत ही बढ़िया है, मतलब तुमने उन्हें देखा होगा तन्नू वेड्स मनु में पप्पी जी के रोल में, वही बंदा यार एक नंबर एक्टिंग करी है, सबसे बढ़िया एक्टिंग उन्हीं की है। तो यार मुझे तो फुल टाइम पास मूवी लगी, मुझे तो अच्छी मूवी लगी। खैर तुमने ये मूवी देखी या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को यार लाइक करो, शेयर करो, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो।